तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में मैं तुमको कोई भी दुखद समाचार बोले तो न्यूज़ नहीं सुनाने वाला, ना ही कोई गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हमारे साथ कोई भी बैड और गुड काम नहीं हुआ है, बल्कि गेम के साथ हुआ है। एक तरह से गुड भी बोल सकते हैं और बैड भी बोल सकते हैं। देखो, अपना जो है एलिफेंट वाला ओपन हो गया, गुड है, लेकिन अभी ये वाला तो कम्प्लीट ही नहीं हुआ, तो वाला कैसे हो गया। तो उसके लिए पहले ये वाला क्लिप देखो। तो गाइस, इधर पे पता नहीं खुरापाती दिमाग में क्या चला कि मैंने अपने मर्जी से ही स्पीड को लूज कर दिया। और देखो भाई, जैसे ही लूज किया तुरंत ही पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था और ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो इसके लिए अपने को वापस खेलना पड़ रहा है। और गाइस, मेरे को यही नहीं समझ आता है कि ये इतना सारा लोडिंग के टाइम हुआ काहे ले था यार। हमका तनिको नहीं समझ आवत, करता तो वो बताई था हमका कि काहे होते, लेकिन हियन देखा, ये दुई जने एक दूसरे के चेहरा देखा था, कहा था के बोली पहले। तो कार्तिक भैया बोला था कि तू बोला, तई भैया बोला थे तू बोला था, तू तू के चक्कर में अपन गेमो स्टार्ट हो गया। तो अभी इधर पे देखो, तुमको बहुत ही खतरनाक खतरनाक सीन दिखाने वाले हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग एकदम धासु मशीन के साथ ये रही रेलवे गेम जेट की एक बर्फ काटने वाली मशीन, जिससे आप रेलवे ट्रैक के बर्फ काट सकते हैं, वो भी आसानी से। और इसकी टॉप स्पीड है 0.00 किलोमीटर, क्योंकि इसमें कोई भी चक्का बोले तो पहिया नहीं लगाए, और कोई भी इंजन बोले तो अपने आप चलने वाला यंत्र नहीं लगाए। तो इसके लिए तुम खुद का एक ट्रेन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ये मशीन तुमको मिलेगी। तो कपल हो चुका है। तो गाइस, अभी इधर पे चलते हैं, अपना एड खत्म हो गया है। तो इस वीडियो को एक स्पॉन्सर किया था हमारी ही एक युद्धुत, मतलब कि विद्युत से चलने वाली एकदम खतरनाक मशीन, जिससे देख सकते हो आप कि इसके बर्फ कितने ठासु तरीके से कटते हैं, इतने ठासु तरीके से कटते हैं कि तुम भी नहीं समझ सकते कितने ढासु तरीके से कटते हैं। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है, जब इसमें पहिया लगाया ही नहीं मैंने, तो ये चल कैसे रहा है, मतलब हवा में उड़ रहा है, और ये पटरी को ख़राब क्यों नहीं कर रहा है। और इधर पे देखो, आजू बाजू कहीं भी तुमको बर्फ नहीं दिखेगा सिवाय रेलवे ट्रैक के, और बाजू में भी रेलवे ट्रैक में कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे भाई तो लोको पायलट भी तो पहले से काम कर रहे थे, अरे हमको भी पता है, लेकिन वो साइड साइड का किसने हटा दिया भाई। इतने बर्फीले इलाके में उधर देखो हरियाली है भाई साहब, मैं तो पहली बार ऐसा सीन देखा रे बाबा। और गाइस, इधर पे आकर के मेरा सबसे बड़ा वाला चूतिया कटा, अब कैसे कटा तुम लोग नीचे कमेंट करके बता दो। और मेरे को तो ये नहीं समझ आता यार, मतलब तुम लोग ना ही लाइक करते हो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तक नहीं करते, और कमेंट सिवाय एक बंदे के और दो बंदे के, हाँ कभी भी 5-6 लोग अब पहले जैसे तुम लोग नहीं रहे कमेंट करने वाले। तो बस कर दिया करो यार, थोड़ा हमको भी मोटिवेशनल मिल जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, और कुछ नहीं, जाओ।